तो अब हम लोग है ना इस पूरे इस फ्लैश कार्ड के थ्रू रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो तुमने पहले ये रिएक्टेंट एल्कीन नोट कर लो और सारे रिएजेंट लिख लो और अपना आंसर लिख लो। कर लिया सबने? ठीक है ना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करो, पहले लिखो, खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है, उसके बाद अपन आंसर देखेंगे, फिर आपको देखना है आंसर, ठीक है ना। तो अब इसके आंसर देखें। ये इसके आंसर हैं, है ना। चलो अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले कहाँ से स्टार्ट करें? ए से। तो वैसे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी जाए तो ये क्या हमारा प्लस है ना, तो ये प्लस माइनस से क्या बनेगा? माइनस। यानी ये दोनों क्या बनेंगे? हमारे रेसिमिक मिक्सर, दो इनेंशियमर बन जाएंगे ना। ये बनाया तुम लोगों ने। सेकंड में क्या होगा बताओ? कोल्ड केमिनो फोर प्लस प्लस प्लस, ये क्या बन गया? मीजो। फिर ओएसओ फोर प्लस प्लस, ये भी मीजो ही बनेगा, सिन एडिशन होगा ना ओएसओ फोर। और इन दोनों में से बेटर कौन होता है? कोल्ड केमिनो फोर, है ना। और ये बी आर टू वाटर से क्या होगा? हेलोहाइड्रीन। ये कैसा एडिशन होता है? एंटी। प्लस माइनस से क्या बनेगा? माइनस। ये दोनों क्या बनेंगे? दो इनेंशियोमर यानी रेसिमिक। और ये वाली कौन सी रिएक्शन है? पिरलिसिव, सिन एडिशन होगा ना, ये मीजो बन जाएगा अपना। फिर इसमें क्या होगा? ओ एम डी एम, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, कार सेंटर बन रहा है, यानी ये भी रेसिमिक बन रहा है। एच बी ओ में इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ओ एम डी एम या एच बी ओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें भी क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर, है ना। अच्छा, अगर हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में इथेनॉल डाल दें तो रिएक्शन में चेंज क्या आएगा? हाँ, अगर हमने इथेनॉल डाल दिया तो उसमें क्या होता है? देखो, हम जब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाते हैं और वाटर की जगह इथेनॉल डाल दिया तो ये ओ अटैक करेगा ना और एच निकल जाएगा, तो अब एल्कोहल बनेंगे या ईथर बनेंगे? ईथर बन जाएगा, अब ईथर बनेगा ना। तो ये देखो, ओ ई टी बन गया। अगर आपने वाटर डाला होता ना तो उसका वाटर ओ एच ऐड होता, अगर आपने इथेनॉल डाला ओ पे प्लस आएगा और ओ ई टी ऐड हो जाएगा। इसका रिएक्शन का नाम भी चेंज हो जाता है। ये जब अपन एल्कोहल यूज़ करते हैं इसका नाम हो जाता है एल्कोऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। एओ मीन्स एल्कोऑक्सी, इथॉक्सी, मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग एल्कोहल यूज़ करेंगे ओ एम डी एम में तो ईथर बन जाएगा। सेम वैसे ही हो रहा है जैसे अपन एल्कीन में एच प्लस वाटर डालते हैं तो एल्कोहल बनता है, एच प्लस इथेनॉल डालते हैं तो ईथर बन जाता है। समझे भाई? ए एम डी एम का पूरा मतलब क्या है? एल्कोऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? बी डी थ्री टी एच एफ एन एच सी ओ टू डी, इसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। याद है, अगर हम एस टू ओ टू डालेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड डालेंगे तो ये वाला डी है ना बोरोन की जगह पे आता है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन इज ए सिन एडिशन, तो ये मीजो बन जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ पे डी टू मेटल इज ए सिन एडिशन, ये भी बन जाएगा मीजो। एच बी आर डालोगे तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रेसिमिक। एंटी मार्कोनिक ऑफ करोगे तो भी क्या बनेगा? रेसिमिक। और इसका रिडक्टिव ओजोनलिसिस किया तो एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और हॉट केमिनोफोर इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस फॉर एल्कीन। एल्कीन के लिए हॉट केमिनो फोर और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस एक ही है। अब बताओ इसमें एन बी एस से दो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? एन बी एस से पहले अपन अल्फा हटा के रेडिकल बनेगा ना, इस रेडिकल का रेजोनेंस हो सकता है, तो ये रेजोनेंस हो गया, ये रेडिकल बनेगा, है ना। अब बताओ इसमें कौन सा स्टेबल रेडिकल है? नीचे वाला, तो ये क्या बनेगा? के सी। कौन सा स्टेबल एल्कीन बनेगा? ऊपर वाला, ये कौन देगा? टी सी। समझे आप? और कौन सा रह गया? क्यू आर एस। अच्छा, एस समझ में आ रहा है? आई बी आर डालेंगे ना, आई बी आर। आई बी आर में आई पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, बी आर पे नेगेटिव,
तो नॉन क्लासिकल बन के ऐड हो जाएगा ना। अब आपके दो रह गए, हाइड्रोजन H2O2 एंड ओजोनलिसिस। देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये अपन अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, HH ऐड करेगा, यानी कीटोन का बना देगा अल्कोहल। ऐसे ही मान लो अगर मैं बोलूँ एक कीटोन दे दूँ, LDH का अल्कोहल, अगर मैं आपको बोलूँ कीटोन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट डालो, तो क्या बनाओगे? HH ऐड कर दोगे ना, ये बनेगा अल्कोहल। तो अगर आप ऐसा करते हो, ये एल्कीन है, आपने एल्कीन में ओजोनलिसिस के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जैसा कि रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है, तो इसका मतलब इसको बनाना तो चाहिए एल्डिहाइड, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा, वो आगे अल्कोहल में बदल देता है, इसलिए वहाँ पे अल्कोहल बने हुए थे। समझे आप? ये समझ में आया? वो ये वाला लिख लो आप, अगर LAH दिया है, ये अपना पूरा डिटेल में रिएक्शन है अल्कोहल में। अभी आप समझो रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सबको अल्कोहल में बदल देगा ये। समझ गए? एक उस पर यूट्यूब पे ही देखना है ना, एक प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास टेस्ट की, लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों की प्रैक्टिस कराई थी, तो उसमें क्लास टेस्ट बने पड़े हैं बहुत सारे, टॉपिक वाइज हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपका एल्कीन पूरा हो गया, अभी दो लेक्चर और हैं एल्काइन के, वो एक इसके बाद ही कन्वर्जन का प्रैक्टिस है वो, लेकिन तुम क्लास टेस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और अब डीपी भी बना सकते हो सारी, किसके? एल्काइन के दो ही लेक्चर होंगे बस, एक कुछ रोव और एक पूरी कंबाइन, एक पूरे एक साथ कराए थे बस, मेन तो एल्कीन ही था बस, ख़त्म हो गया बस। तीन लेक्चर एल्काइन के हैं, उनमें से एक तो अपन कर चुके हैं बर्स रिडक्शन वगैरह, तो एक कुचरो और एक कंबाइन रिएक्शन है एल्काइन का बस। वैसे तो एल्कीन ख़त्म ही हो गया, ये तो रिवीजन है तुम्हारा, है ना। क्या भाई समझे? ठीक है, एक वो रिएजेंट लिखा था ना, ये एक्चुअल में सॉम सीरीज में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हाइड्रोजन एंड H2O2, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस पाई बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स। मतलब ये क्या बोलता है कि अगर जैसे ये एल्कीन है ना, पाई बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम, आप इसमें यूज करो हाइड्रोजन एंड H2O2, तो क्या होगा, ये रिड्यूस कर देगा उसको, यानी यहाँ पे सिन एडिशन होके HH लगा देगा। अब देखो कैसे लगाएगा HH, सबसे पहले H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो अगर मैं H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो ये H2O2 किस में बदल जाएगा, H2O में बदल जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा, बैलेंस करके देखो उससे क्या बनेगा। भाई ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होगा ना, तो ये बनेगा दो H2O2, दो वाटर बनेंगे, अब बताओ क्या बनेगा। एक तो H2O2 ने O दिया, तो एक H2O तो वैसे ही बन गया, ये ऑक्सीजन यानी इससे H2 लिया ना उसने, इससे H2 लिया तभी तो दो H2 बना, तो एक H2O यहाँ से और एक O और एक H2 यहाँ से निकला, तो पीछे क्या बचा बताओ, N डबल बॉन्ड N, ये बनेगा, ये डाइमाइड है, इट इज डाइमाइड इज हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल क्यों है,
क्योंकि ये एन टू इवॉल्व कर लेगा। तो जैसे ये बनाना ये रिएक्ट करेगा, ये तो हाईली अनस्टेबल है। तो अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, ये एल्कीन के साथ इस डाइमाइड का रिडक्शन होगा, ऐसे इसको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। पेरीसाइक्लिक मतलब क्या, साइक्लिक टाइजेशन स्टेट। तो इसमें कौन सा गैस इवॉल्व हो जाएगा बताओ, एन टू इवॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये एच यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया और इसने यहाँ एन टू बन के निकल गया। ये अब बताओ ये दोनों एच सेम साइड में ऐड हुए या ऑपोजिट साइड, रिंग बन रही है ना, रिंग है तो सेम साइड से ऐड होंगे ना, तो ये कौन सा एडिशन हुआ ओवरऑल, ये सिन एडिशन। अब ये जो है ना ये सिर्फ लाइक एटम में यूज होता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या इससे आप कीटोन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप साइनाइड को रिड्यूस नहीं कर सकते, सी डबल बॉन्ड सी को कर सकते हो, एन डबल बॉन्ड एन को कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये दोनों दिए तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर हमने एल्कीन दिया तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये स्पेसिफिकली यूज किसके लिए होता है, टू रिड्यूस पाई बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो और भी अच्छा है। अब उसमें चार्ट में समझ में आया वो कैसे था, है ना, H2 रिड्यूस जाएगा, मतलब नेट H2 एडिशन होना है, एल्कीन से एल्कीन बन जाएगा। समझ गए, ये कि कॉफ़ी की प्राइस कितनी अलग होती है। अभी मैं आधे घंटे पहले वो बड़ी वाली बेटी को ना बुक्स बुक्स का शौक है ना उसको, तो क्रॉसवर्ड है ना एक, तो वहाँ क्रॉसवर्ड या ना ये नया खुला शॉपर स्टॉप के पीछे, तो मेरे को उनका मॉडल बहुत अच्छा लगा। शॉपर स्टॉप जो है ना जहाँ अपन कपड़े वगैरह खरीदते हैं, उसका टाइप किससे, क्रॉसवर्ड से। मतलब जहाँ शॉपर स्टॉप खुलेगा उसके अंदर क्रॉसवर्ड खुल जाएगा, है ना भाई, एक ही बिल्डिंग में किराया बढ़ जाएगा ना आपस में। और क्रॉसवर्ड का टाइप है कॉफ़ी वाले से, उसका नाम भूल गया मैं, पता नहीं ये जमतारा या जमतारा, तो खैर वो सीरीज है, अरे क्या नाम था उसका, एक कॉफ़ी वाला नाम था, तो उसका टाइप उससे है। तो जहाँ क्रॉसवर्ड खुलता है ना वहीं वो कॉफ़ी शॉप भी खुल जाती है। और कॉफ़ी वाले को कितनी जगह चाहिए, कॉफ़ी वाले को बस इतनी सी जगह चाहिए बस। अब वो मशीन मशीन लगा रखी है उसने, और वो थोड़ा वो एक बंदा बैठ जाता है और ऐसे एक एल शेप में टेबल बना रखी है। तो वो जब बुक खरीदी थी अभी आधे घंटे पहले ही, तो मैंने सोचा मैं यार कॉफ़ी पी लेता हूँ, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ घर पे, है ना, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इतना सा पानी लेके उसमें घर में ही नेस्कैफे घोल देता हूँ और थोड़ी सी एक चिमटी इलायची डाल लेता हूँ, पी लेता हूँ। तो उसने कहा कि आप कौन सी कॉफ़ी पीना चाहोगे, तो वो तीन चार नाम लेने लगा। अब मुझे तो नाम ही नहीं पता, है ना, मैंने कहा मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, तो उसने कहा नहीं सारी मैं ब्लैक कॉफ़ी के ही नाम बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं क्यों ठीक है, मैं आपके हिसाब से कौन सी बढ़िया है, तो उसने कहा कि ये रोस्टेड वाली बहुत बढ़िया है। तो उसने एक रोस्टेड पता नहीं कौन सी कॉफ़ी कुछ नाम बताया, और एक मग निकाला उसने और उसे एक फनल लगाया ऊपर, ऊपर एक टिश्यू पेपर लगाया, पहले टिश्यू पेपर थोड़ा पानी डाला उसको साफ, टिश्यू पेपर गीला किया उसको और थोड़ा फनल को भी गीला करके पानी बाहर फेंका, और फिर उसमें कॉफ़ी डाली थोड़ी सी, उसको ऐसे क्या ग्रिंड करते हैं ना, क्या बोलते हैं, घिस दिया उसको, हाँ मतलब है ना, और फिर उसमें पानी डाला। तो मैंने उसको बोला यार मतलब ये सब क्यों किया ऐसे, तो उसने बोला कि ना मतलब आपको टिश्यू पेपर का स्मेल नहीं आए इसलिए पहले मैंने टिश्यू पेपर को धोया। मैं गजब यार ठीक है, फिर आप कॉफ़ी बनाई, और फिर उसने शानदार एक कप में ऐसे प्लेट में छोटे कप में लगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और एसी चल रहा था तो इतना इज्जत से उसने कॉफ़ी पिलाई ना, तो मैं बड़ा मज़ा आया यार। तो मैंने आधी कॉफ़ी पी ली, फिर मैंने कहा मैं तो आधी पी पाऊँगा, आधी घर ले जाऊँ क्या, तो उसने कहा ठीक है, फिर वो एक मग में डाल के दे दी उसने। फिर मैंने बोला पैसे कितने हुए,
तो उसने कहा कि 160 रुपए हुए। तो मैंने कहा यार 160, मैं मन में सोचने लगा कि यार घर पे पीता हूँ तो 10-15 रुपए में कॉफ़ी हो जाती है मेरी, अब ये 160 रुपए किस बात के ले रहा है। 160 रुपए ले रहा है क्योंकि उसका वो ऑफिस है, एसी है, वो मैन पावर है, खर्चा है ना उसका, और आधे पैसे तो उस बात के ले रहा है कि कितना इज्जत से पिला रहा है और किस माहौल में पिला रहा है। भाई ये सेम कॉफ़ी किसी 5-स्टार में जाओगे तो 300 रुपये करीब होगी, क्यों? कि थोड़ा आपसे प्यार से बोलेंगे, इज्जत से बोलेंगे, थोड़ा शानदार डेकोरेशन वगैरह। तो कॉफ़ी वही है, लेकिन उसको प्रेजेंट कहाँ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत है। तो मैं ये सोच रहा था, एकदम से मुझे तुम्हारी याद आई यार, ठीक है, मैं सोच रहा था यार मैं तुमको पढ़ाता हूँ, है ना, ठीक ठाक अर्न करता हूँ, अगर मैं यही थोड़ा अगर मतलब स्टैनफोर्ड वगैरह में कहीं जाके पढ़ाऊँ तो वो तुम्हें को डॉलर में पे करेंगे ना यार, तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊँगा ना यार, क्या बोलते हो उसमें? हाँ मेरा काम हो जाए बाकी तो फिर चलता रहे ना। तो ये मैं भी सोच रहा हूँ यार, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर की नहीं है, इम्पोर्टेंट लेक्चर किस माहौल में और किसको दिया जा रहा है उसकी वैल्यू है। समझ गया भाई? ठीक है, लिख लिया आपने पूरा? तो आप जाओगे या यहीं रहोगे? इसके बाद एक लेक्चर और वो करना है तुमको, नेक्स्ट वो करेंगे कन्वर्जेंस, है ना, 20-25 मिनट का एक लेक्चर है कन्वर्जेंस। तो मिलते हैं फिर, इसको आप दो बार ट्राई करो, है ना, एक बार ऐसे थोड़ा वर्बली भी ऐसे घर में जैसे पढ़ाते हो ना किसी को, जैसे आप पढ़ा रहे हो ना किसी को, तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा बोल बोल के किया करो, जब आप बोलते हैं ना अपन कान में भी जाता है, समझ रहे हो, तो लर्निंग अच्छी होती है। तो ऐसा आपको बोलना है, अच्छा एल्कीन रिएक्ट किया Br2 से, है ना, ये प्लस है माइनस है, जैसे दो प्रोडक्ट बनेंगे माइनस रेसिमिक, है ना, ऐसे ऐसे करो जैसे को पढ़ा रहे हो। और बेस्ट तो ये है कि भाई कोटा में बच्चे ही बच्चे हैं, है ना, बच्चे पकड़ना कोटा में बहुत आसान काम है, ठीक है ना, किसी भी हॉस्टल में एक बच्चे को पकड़ लो और उसको बोला कि यार मुझे तेरा कैरियर की बहुत चिंता है, मैं चाहता हूँ कि तू कुछ करे जीवन में, है ना, तो वो ऐसे बच्चे को पकड़ो जो थोड़ा सा पढ़ने की तरफ एक्साइटमेंट कम है उसका, उसको बोला मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप उसको बुला लो, ठीक है, उस आपसे तो कम आता है ना उसको, अब आप उसको पढ़ाना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, उसको आ रहा है नहीं आ रहा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान ही देना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और जब आप पढ़ाओगे ना, पढ़ाते पढ़ाते देखना आपके 2-4 नए डाउट आएंगे, है ना, फिर आप उस पर सोचना, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। और 2-4 डाउट वो पूछ लेगा, और वो तो ऐसे पूछेगा कि आप पूछो मत, ठीक है, वो भी पूछ लेगा ये करी क्यों रहे हैं, है ना, उसके सवाल ऐसे हो सकते हैं। तो आपका बेस्ट है कि आप कोटा में किसी बच्चे को पकड़ लो, है ना, है ना, पहले उसको मोटिवेशन लेक्चर देना फिर पढ़ाना उसको, ठीक है, ओके भाई।